नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम आपको वन लाइनर मैराथन के रूप में करा रहे हैं, अलग अलग पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आज से हम देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। 2019 में सबसे लेटेस्ट में जो है वो पूछा गया था, तो WH बोच जो है उनके अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त जो साधन है या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो उसके आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना जो है वो कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप एक विद्यालय से जोड़ के समझिए, जैसे विद्यालय होता है उसके भी कुछ ना कुछ संस्थागत नियोजन के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, तो वो किस आधार पर उनको डिसाइड करता है। सबसे पहले तो ये देखता है कि इस समय उसकी कितनी क्या आवश्यकता है, उसके पास कितने साधन हैं और जिनके प्राप्त होने की संभावना कितनी है, उसी पर सारी चीज़ें तो बेस्ड होती हैं, तो उस पर बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना जो है वो कहलाता है या संस्थागत नियोजन इनके अनुसार हो जाएगा। देखिए, जब किसी के अनुसार कोई डेफिनेशन होती है तब आपको उसी प्रकार से लिखनी है, जब आप पर्टिकुलर किसी के नाम से नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मली लिख रहे हैं, तब आप जो है किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है संस्थागत नियोजन का अर्थ, तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की ही प्रक्रिया को नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी उसी को आप लिख सकते हैं कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए जो योजना निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम नियोजन कहते हैं। ऊपर जो प्रश्न आया था वो संस्थागत नियोजन था, संस्थागत स्तर पर, यहाँ पर केवल नियोजन पूछा गया, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन से आपका क्या समझते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, ये सारी चीज आपका विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आती है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है, तो प्रधानाचार्य का होता है, आप सभी देखते भी हैं। अगला है विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताएं लिखिए, तो सबसे पहले तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होना चाहिए विद्यालय प्रबंधन में, और दूसरा आप कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता जो है वो भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप अलग अलग जगह लिख सकते हैं, तो इन चीजों को भी आप अलग जगह यूज कर सकते हैं। अगला है सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ जो है वो लिखिए, तो संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है, ये आपका सरल शब्दों में केवल और केवल प्रबंधन के अर्थ की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं। अंग्रेजी शब्द मैनेज मैन टेक्सटफुली को मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं, और प्रबंधन का अर्थ होता है व्यक्तियों से कार्य लेना। ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा संस्कार को लेकर एक प्रश्न पूछा जा चुका था, उसका अर्थ होता था गुरु के पास ले जाना, तो ऐसे यहाँ पर भी प्रबंधन का पूछा जा सकता है, तो व्यक्तियों से कार्य लेना। अगला देखते हैं प्रबंधक नियोजन अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं अभिप्रेरणा को, तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक होती है। जो प्रबंधक नियोजन है वो इन दोनों में किस प्रकार से हेल्प जो है वो करती है, तो प्रबंधन के द्वारा नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ आप क्या कहेंगे कि जो प्रबंधकर्ता होता है वो कुशल प्रबंधन के द्वारा ही ये जो सभी तत्व होते हैं उनको मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रबंधकर्ता क्या, जिसे आप नॉर्मल चीज क्या करिए अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, आप विद्यालय जाते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो एक डीएलएड का जो आपका संस्थान है उसके भी सभी प्रबंधन का कार्य किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति करता है, जैसे आपकी फीस जमा हो गई या कह सकते हैं आपका कहीं बाहर कोई टूर लगा है, तो प्रबंध करता है कोई व्यक्ति। जब वो कुशल प्रबंधन करेगा, सही निर्णय लेगा, तो उसके द्वारा ही तो ये सभी जो तत्व हैं जैसे मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है या किसी प्रकार का नियंत्रण है, इसको मजबूती प्रदान होगी, तो उसका फायदा संस्था को भी तो मिलेगा, तो वही ये तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगला देखते हैं छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन से गठित की जानी चाहिए। छात्रावास किसे कहते हैं, हॉस्टल को कहते हैं, तो अब इसमें कौन कौन सी समितियां हैं, तो सबसे पहले जैसे कि भोजन समिति, यहाँ पर लिखा है कौन सी गठित की जानी चाहिए, मतलब आप सजेशन मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी गठित की जाती हैं, तो भोजन समिति, मेस कमेटी होनी चाहिए, सफाई समिति होनी चाहिए,
जिसे हम सैनिटेशन कमेटी कहते हैं, अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी हो जाएगा, खेल समिति, गेम्स कमेटी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, कल्चरल प्रोग्राम कमेटी। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक क्षेत्र को टच करना चाहिए, भोजन से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, अनुशासन से संबंधित, फिजिकल और मेंटली रूप से बच्चा स्वस्थ रहे उसके लिए खेल समिति, इसी प्रकार अलग अलग पार्टिसिपेंट में बच्चा आगे आ सके इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, ये सारी आप लिख सकते हैं। अगला है, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है, तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल का बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, इससे स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर वैसे देखिए लिखा नहीं है, पूछा तो गया है खेल का मैदान क्यों आवश्यक है, यहाँ पर क्या किया गया उसी के बारे में बता दिया गया। आवश्यक क्यों है, आवश्यक इसलिए है कि छात्र शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, सबसे मेन रीजन ये होता है, इसीलिए खेल को दैनिक जीवन में भी शामिल करने के लिए जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं केवल आप चार दीवारी के अंदर कोई इंडोर गेम खेल रहे हैं तो वो भी खेल है, खेल आपका आउटडोर इंडोर दोनों टाइप के होने चाहिए, इंडोर आपका मानसिक लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाएगा और आउटडोर आपका शारीरिक रूप से भी तो स्वस्थ रखेगा। अगला है, मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य, तो मानवीय संसाधनों जो है उनके प्रबंधन का तात्पर्य उचित और योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है, और मानवीय संसाधन जो है उनका भी सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। ये सारी चीजें देखिए, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कठिन लगेगी, आप उसको क्या कीजिए, जोड़ के याद कीजिए डेली लाइफ से। अगला देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है, तो इसका प्रतिपादन प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है, याद होना चाहिए, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। प्रबंध समिति के द्वारा जो है दोनों ही, यानी कि विद्यालय प्रबंधन जो है उसके लक्ष्यों और उद्देश्य दोनों का प्रतिपादन का कार्य करता है। अगला है, विद्यालय जो प्रबंधन है उसका आकलन कौन कौन सी समितियां जो है वो करती हैं, तो जैसे कि आपकी शिक्षक परिषद हो गया, छात्र परिषद हो गया, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां, ये सब हो जाएंगी। अगला है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई चार कार्य लिखिए, तो विद्यालय प्रबंधन आपने अभी देखा था, कार्य क्या है, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, पाठ्यक्रम नियोजन और कार्य इसको भी लेकर देखता है, विभाजन कार्य यहाँ पर आगे जो है वो विभाजन, और इसी प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, और चौथा विद्यालय का बजट बनाना। नॉर्मल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे कोई भी विद्यालय होता है, अब उसको कितनी फीस मिली है, उसकी फीस या उसके पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, विद्यालय में जो सभी चीज़ें लानी है, जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा पैसा तो प्रोजेक्टर लाया जा सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय का बजट बनाना, उसके अकॉर्डिंग क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वो इसमें ध्यान रखी जाए या उसके कार्य में आ जाएगा विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में। अनुशासन बनाए रखना भी कहीं ना कहीं आता ही है, पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारण हो, कौन सा पाठ्यक्रम जो है वो रखा जाए, कार्य विभाजन किसको क्या कार्य करना है, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, ये सारे इसमें कार्य में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सब समझ में आ रही, तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना, तो कब बना, 1993 में जो है ये बना था। ये प्रश्न आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो पूछा गया था, वहाँ पर मैंने अभी जो फास्ट रिविजन चल रहा है उनका उसमें बताया भी था, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट जो है आपका 1993 में बना था। अगला है, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखिए, मुदालियर आयोग से और क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, और 1952 में जो है ये आया था, 1952 के साथ तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, भारत सरकार के द्वारा जो है वो की गई थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में बाद में इसे कह सकते हैं, इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग जो है नाम इसका रख दिया गया था। अब पूछा गया इसके विचार लिखिए, तो हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है, इसके व्यक्तिक गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवसायिक शिक्षण तथा उसका स्कूल और समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि, सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें काम कर रहे जो अध्यापक है उस पर आधारित होता है। तो अध्यापकों के संबंध में इन्होंने के ये जो है वो विचार थे। सन वगैरह याद रखिएगा जो मैंने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, समुदाय का अर्थ बताइए,
तो समुदाय जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कॉम यानी कि एक साथ, इसका अर्थ होगा टुगेदर, एक साथ को हम कहते हैं टुगेदर, और म्यूनिस मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व। तो इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। और जो बोगार्ट्स है उनकी डेफिनेशन भी लिखी कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है। हम देखते हैं ना कि कोई भी कार्य होता है, चाहे वो डीएलएड से ही संबंधित, इस समय देखिए बैक प्रकरण चल रहा है आपका 2018 बैच के संबंध में, तो समुदाय में हम क्या देख रहे हैं, हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में जो है वो रहता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है, तो किसमें है, दिल्ली में जो है वो स्थित है। अगला है, मात्र शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई थी, तो शैक्षिक और सामाजिक जो लाभ है उसकी सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। एक लाइन में आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली याद रखिएगा जो ये सूचनाएं हैं, लाभ की सूचनाएं हैं, उनको पहुंचाने के लिए की गई थी। और आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ या मातृ शिक्षक संघ की स्थापना जो है वो की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, कुल संख्या 20 होती है। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए, तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है और ये अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। तो ये वाली लाइन आपको एकदम रटी होनी चाहिए कि किसके द्वारा जो है वो प्राप्त होता है, और इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे भी चलते हैं और अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका विद्यालय अनुदान के बारे में ये तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे कोई समाज से भी संस्था हो गई या कोई धनी व्यक्ति हो गया, वो क्या करता है, विद्यालय के हित में धन की राशि देता है जिसका उपयोग विद्यालय में कमरे का निर्माण या ऐसे ही कार्य में किया जाता है, तो वो समुदाय से प्राप्त धन हो जाता है। अगला है, कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है, तो एक लाइन में एकदम याद रखिए कि कक्षा में संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन से में आता है और आपकी जो टीचिंग है इससे और ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होती है। अगला है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है, आदर्श विद्यालय के अंतर्गत हम देखते हैं ऐसा विद्यालय जिसमें सभी एक तो सुविधाएं हो, उसके साथ साथ जो विद्यालय है उसमें स्वतंत्र घूमने के लिए कह सकते हैं पूरी सुविधा हो, आकर्षक हो, छात्र आकर्षित हो उसमें, ऐसा ना हो कि बच्चों का जाने का ही मन ना करे, तो वो आपका एक आदर्श विद्यालय में आता है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग पर अगर आप वैसे कहें तो आप कह सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में जहाँ पर सुधार हो, अच्छी तरीके से छात्रों को उदाहरणों के द्वारा जो है वो अलग अलग जो आपके ऐड होते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं, उनका यूज किया जाए, तो वो आपका एक आदर्श विद्यालय में आएगा। अगला कह रहे हैं कि पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई चार उपाय, तो बुक बैंक की स्थापना हो गया, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो गया, ये सब पुस्तकालय सुधार के संबंध में हो जाएगा। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। आप देखते हैं जो आपके डायरी होती है स्कूल की, हाई स्कूल इंटर में, उसमें डायरी में भी लाइब्रेरी का अलग से पेज बना होता है, तो वो भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं, विद्यालय समय सारणी में भी शामिल कर सकते हैं आप, जिससे नहीं होता है कि एक पीरियड लाइब्रेरी का अलग से लगता है कि ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये पीरियड लाइब्रेरी का, ताकि बच्चों को समय मिल सके, ऐसा ना हो। बहुत बहुत से विद्यालयों में क्या होता है, लंच जो होता है उसी में कहते हैं आप लाइब्रेरी में अगर जाना है तो उसी में जाइए, और उसमें कुछ जा पाते कुछ नहीं जा पाते। खेलों का क्या महत्व है, तो मैंने बताया शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, अभिव्यक्ति और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है, एनपीआरसी का प्रमुख नेता कौन होता है या प्रमुख कौन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, संकुल प्रभारी होता है। एनपीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। अब देखिए शिक्षक तो योगदान देते ही है, उसके बाद साथ साथ जो विद्यालय का वातावरण है, जैसे कि पीने के लिए शुद्ध पानी है, बैठने का उचित स्थान है, हवादार कमरे हैं, फर्नीचर है, ये भी तो जरूरी है, तो ये भी आवश्यक है। अगला है, समय तालिका एक साधन है या साध्य है, तो इसको स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि ये साध्य नहीं है, जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की है वहीं या अपने गौरव को समाप्त कर देता है। तो समय क्या है आपका,
एक साधन के रूप में हो जाएगा। अगला है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर जसवंत सिंह जो है, इनकी जो डेफिनेशन है उसके अनुसार है, और आगे भी डेफिनेशन में ऐड है कि जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रम को संचालित जो है वो करता है। अगला है, समय सारणी क्या है? तो अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करना, आपको देखते हैं विद्यालय में होता है, ये पीरियड होगा, ये टीचर्स है, ये सारी चीज़ें, तो वो समय सारणी के तहत होता है, विद्यालय भी आप जाते समय सारणी के तहत जाते हैं। अगला है, रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं? तो आप क्या कहेंगे, शिक्षा प्रक्रिया की धारणा में बच्चों के जो प्रत्यक्ष अनुभव है या प्रत्यक्ष जीवन यापन है उसके द्वारा सीखने में विश्वास करती है शिक्षा प्रक्रिया की धारणा, और स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। तो रॉस के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो इन्हीं के शब्दों में आपको लिखना होगा जहां पर आप अपने शब्दों का यूज नहीं करेंगे। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता, तो आप क्या कहेंगे कि जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि स्वच्छ है, वातावरण, आनंद प्रद, सुव्यवस्थित स्कूल, ये सारी चीजें मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अलग अलग क्रियाएं जो है उनका आयोजन हो, विद्यार्थी उसमें भाग ले सकें, उनका या उनकी जब सहभागिता होती है तो क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी आती है और सारे गुण भी जो है वो आते हैं। तो मनोरंजक कार्य लिखा भी है, जैसे ऑक्यूपेशन, योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। अगला है, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी ने क्या कहा है? तो आज भारत को भगवद गीता की ही नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको एकदम रट के रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। इस टाइप के प्रश्न वाइवा में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगला है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्री आती है? तो श्याम पट हो गया, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सभी शैक्षिक उपकरण में आपकी आती हैं। अगला है, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो अर्थात शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है, मानवीय साधन के अंग बताइए। तो मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय, ये सभी जो है वो आते हैं। अगला है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की दो विशेषताएं लिखी है। तो इसमें मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक जो है वो माना गया है, ये आप पहले पॉइंट के तौर पर विशेषता लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में भी तो सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख जो है वो कीजिए। तो कौन कौन से गुण हो सकते हैं कि अध्यापक आपका एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ और चरित्रवान हो क्योंकि उसका प्रभाव छात्र पर भी पड़ेगा, इसी प्रकार अध्यापक जो है उसको मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान भी हो, जैसे कि जो बालक है उसकी जो विभिन्नताएं हैं, बालक का किसमें इंटरेस्ट है, उसका किसमें मोटिवेशन आ रहा है, प्रेरणा उसको किससे मिल रही है, बच्चे में क्या योग्यता है, उन सारी चीज़ों को समझ कर उस छात्र के अनुसार जो है वो सही मार्गदर्शन जो है वो कर सके। तो मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है अध्यापक के लिए। अगला कह रहे हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 15% जो है वो आपका हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि वाद विवाद और भाषण से आपका क्या लाभ है? तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तो मैकनोन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी है, पर मैं अगर सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो वाद विवाद का और भाषण का सबसे मेन जो कराने का उद्देश्य होता है इस प्रकार की प्रतियोगिता की, छात्र जो है अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर सके। प्रत्येक छात्र के सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग तरीके से सोचता है, जब अलग अलग लोग अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे छात्र में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा और उसका जो चिंतन है और ज़्यादा जो है वो ब्रॉड होगा, ये सारे आप पॉइंट वाइज जो है वो लिख सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? तो गणतंत्र दिवस आपका हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, राष्ट्रीय पर्व। अगला है, सूचना और अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। तो सूचना और अभिलेख का क्या होता है विद्यालय प्रबंध में स्थान? जो भी प्राप्त सूचनाएं हैं उनको लिखित रूप में रखना आपका अभिलेख कहलाता है। जैसे आप देखते हैं विद्यालय में फाइलें होती हैं आपका, जैसे किसी विद्यालय में आपने क्या किया, कोई क्लास में आपने पेपर दिए, एग्जाम आए, आपके नंबर आए, तो क्या किया गया, उनका रिजल्ट निकाला जाता है। तो अलग अलग लेवल पर उनको विद्यालय में भी सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा हो कि कभी आप रिजल्ट आप खो दें तो ऐसा नहीं कि विद्यालय के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो सारी लिखित रूप, जो भी सूचनाएं हैं उसको लिखित रूप में
रखना आपका अभिलेख कहलाता है, और अभिलेखों के द्वारा संबंधित जो व्यक्ति है उनको अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दी सकती हैं विभिन्न प्रकार की, और सूचना और अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी आप अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, ये कथन किसका है? तो ये जो है वो डॉक्टर SN मुखर्जी जी जो है इन्होंने जो है वो दिया था। अगला है, लॉग बुक जो है वो क्या है? तो इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है, और ये प्रश्न आपका पूछा भी जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है, और वास्तव में ये वह माध्यम है जो कि विद्यालय के इतिहास का भी ज्ञान कराता है, लॉग बुक। ये एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है, एक साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि विद्यालय की विशेष घटनाएं हो गई, नवीन पाठ्य पुस्तक हो गई, यंत्र कार्य आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य घंटे, विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। तो ये अलग अलग आप जो पॉइंट देख पा रहे हैं लॉग बुक में आपको देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जो भी चेक करेगा, अगर पेपर में पूछा गया प्रश्न, तो उससे ये पता चलता है कि छात्र को जानकारी है। अगला है प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय जो है उसको ग्रांट कौन प्रदान करता है? यहाँ पर दो मात्रा लगेगी कौन में, तो आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत तथा सरकार जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें तो वन लाइनर है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? तो आप क्या देखते हैं? विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है आपका स्कूल कैलेंडर, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां जो है वो तय कर दी जाती हैं। अच्छा, आप लोगों की इंटर्नशिप होती है तो आपको पता होगा, आपने बनाई भी होगी, इसकी एक अलग से फाइल बनती है। जो स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, जैसे स्कूल का अटेंडेंस का एक किसी मंथ का बनता है, तो इसको भी बनाया जाता है, अगर आपने वहाँ बनवाया गया होगा तो, नहीं तो आपने देखा होगा, तो ये स्कूल कैलेंडर में आता है। अगला है धाराओं के प्रकार, तो गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, दो टाइप की आपकी होती हैं तापमान के अनुसार। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ बीच में पता नहीं कहाँ से ज्योग्राफी का पूछ लिया गया है, ये कोर्स में आपके है जरूर, पर आपके सोशल साइंस में है, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन आपके बीच में सोशल साइंस के दो चार आ गए हैं। तो अगला है, ज्वारभाटा किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में दो बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौटता है, इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा जो है वो कहते हैं। देखिए कोर्स में आपके सोशल साइंस में, इसलिए मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ाए दे रहा हूँ। अगला है, ज्वारभाटा से लाभ क्या होते हैं? तो ज्वार के समय उथले जो बंदरगाह उनकी गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं, इस प्रकार माल ढोने वाले जो जलयान हैं उनके द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। और क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं? कि ज्वारीय शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अब देखते हैं, बहुत से संसाधन के रूप में, जैसे कि आपका ऊर्जा के रूप में आप कह सकते हैं, ये ज्वारीय शक्ति के रूप में यूज किया जाता है, और ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं, सीप हो गया, शंख, मोती आदि वस्तुएं भी किनारों पर आ जाती, तो ये सब आप लाभ में लिख सकते हैं। अगला है, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। ये लगभग आपके चार पांच क्वेश्चन है, देखिए नहीं चार तक है, जनसंख्या विस्फोट के बाद TLM फिर से आपका आ गया। तो क्या है क्वेश्चन? प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में, तो जो मानव के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना या कह सकते हैं कोई कृत कार्य किया जाता है, उसके कारण जो आई हुई आपदा होती है वो मानवकृत आपदा में आती है, और प्राकृतिक में जो प्राकृतिक शक्तियां उसके कारण, अब प्राकृतिक में क्या क्या एग्जांपल, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी, ये सब प्राकृतिक आपदा में होती है। मानवकृत आपदाएं में मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्म के कारण, जैसे कि आग लग जाती है, परमाणु आपदाएं हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, तो ये सब आपकी मानवकृत आपदा में। अगला है, बाढ़ आने के कारण का उल्लेख कीजिए। तो बाढ़ क्यों आती है? एक तो ये होता है बहुत ज्यादा वर्षा, जरूरत से ज्यादा होती है, तो भारी वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा बाढ़ के कारण है। और क्या आप कह सकते हैं? अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या आप कह सकते हैं? भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की जो खाड़ी है उसमें तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ जो है वो आती है, ये सब आपके कारण हो जाएंगे। अगला है, बादल का फटना किसे कहते हैं? तो आप क्या देखते हैं? जब एक बड़ी मात्रा में जल जो है वो जमीन पर गिरता है उसको बादल का फटना कहते हैं।
इसको अगर बात करें लैंग्वेज में तो बादल फटने के दौरान तेजी से आंधी आती है और बिजली कड़कती है। इस दौरान हवा में जो मौजूद आयन के रूप में विद्युतीय आवेश हैं वो बादल में जो है वो मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देते हैं। हवा में जो मौजूद आयन होते हैं उसके रूप में विद्युतीय आवेश बादल में मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देते हैं। अब इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने से पानी क्या होता है, एक बार के एक छोटे दायरे में तेजी से बौछारों के रूप में गिरता है जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जिसे हम बादल का फटना जो है वो कहते हैं। ऐसा बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत गर्मी में पूछा जाता है, बादल का फटना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या घनत्व, इस टाइप से पूछा जाता है, तो बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। अगला है जनसंख्या विस्फोट। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे तो वह स्थिति जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत आती है। अगला है टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या। देखिए टीएलएम है, साथ में ग्रांट भी है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, और ग्रांट तो आपका हो गई टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इंटर्नशिप में आप ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो इसी में तो आती हैं। स्काउट गाइड आपके कोर्स में भी डीएलएड के होता है, आप देखते हैं चारों सेमेस्टर में से एक बार जो है वो कराया भी जाता है। अगला है क्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। तो ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक, कौन कौन, ग्राम प्रधान या और उसके साथ साथ प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है और इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है और दोनों की सहमति के आधार पर ही खर्च भी किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। ये बेसिक चीजें भी हैं आपकी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नॉर्मल भी आपसे वाइवा, जैसे मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या कहेंगे आप, योजना बनाना। कोई भी आप देखेंगे विद्यालय में उसे कार्य कराना होता है तो सबसे पहले क्या करेगा, योजना बनाता है, फिर उसका परिनिरीक्षण करता है, फिर शिक्षण, फिर पथ प्रदर्शन, फिर पाठ्य पुस्तकों का चयन, इसी प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, इसी प्रकार संपर्क कर्तव्य और लास्ट में मूल्यांकन। तो ये सभी क्या है, दायित्व है, किसके, प्रधानाध्यापक के, किसके संबंध में, विद्यालय प्रबंधन के संबंध में या विद्यालय के संबंध में आप कह सकते हैं। प्रधानाध्यापक को पथ प्रदर्शन किस प्रकार करना चाहिए आप बताइए, किस प्रकार से करेगा। तो वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष जो उठने वाली समस्याएं हैं उसका निदान या तो स्वयं करेगा या उन लोगों को इसके लिए सक्षम बनाएगा। अब यही है, आपको ही है, आपके माता पिता क्या करते हैं, या तो आपको कोई समस्या आती है खुद जाके हल करते हैं या तो आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करो। तो वही है यहाँ पर, वह या सक्षमता तभी प्रदान कर सकता है जब उसमें निर्देशन और परामर्श देने की सक्षमता हो। मुख्याध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह निर्देशन और परामर्श के उद्देश्य से नवीन विधियों का ज्ञान रख सके, उसकी अभिवृत्ति या निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए जिससे वो छात्रों अध्यापकों को सही दिशा की ओर उन्मुख जो है वो कर सके। सकारात्मक का कहने का मतलब ये, अब जैसे थोड़ा सा आप क्या करिए, सकारात्मक का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई आप हैं, क्या कहते हैं, आप एक पेरेंट्स के तौर पर हैं और आपका बच्चा जो है किसी से लड़ के आया है, अब आप क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे तो बच्चे से क्या कहेंगे, जाओ उसका मुंह तोड़ाओ। अब आप क्या कर रहे हैं, आप तो उस बात को और बढ़ा रहे हैं, गलत वे में ले जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, प्रधानाध्यापक भी अगर उसके अंडर में जो व्यक्ति आ रहा है उसके प्रति सकारात्मक नहीं होगा तो क्या वो निर्देशन जो है वो सही देगा, नहीं देगा। इसीलिए सकारात्मक होना चाहिए ताकि जो भी वो निर्देशन प्राप्त कर दे रहा है किसी भी छात्र को, किसी भी अध्यापक को, जो भी इसके अंडर में आ रहा है, वो सही पॉजिटिव वे में जो है वो जाए। अगला देखते हैं प्रोजेक्टर क्या है। तो इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित जो है वो कर दिया जाता है। बहुत से विद्यालयों में आप देखते हैं प्रोजेक्टर लगा भी होता है। अगला है विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए। तो मुख्याध्यापक विद्यालय और समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। कुछ लोग ये भी विचार है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध भी स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, ये कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आपका, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, ये
एच जी वेल्स जो है इनके अनुसार ये कथन है। इन्होंने कहा था शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद के प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और एक प्रश्न अभी हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, मीना मंच क्या है? तो सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। किस पर बेस्ड है? बालिकाओं की शिक्षा जो है उसके प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इसे शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक जो बालिका है उसकी प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित जो है वो किया गया है। आप देखते हैं तो आपके जो विद्यालय हैं वहां पर मीना मंच का आयोजन किया भी जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो पर्यवेक्षण है इसको परिभाषित कीजिए। तो अलग अलग शिक्षाविद हैं उनके अनुसार यहाँ पर परिभाषित किया गया है। आप क्या करिएगा, एक ऐसे कोई भी शिक्षाविद इनकी डेफिनेशन को एकदम रट लीजिएगा, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका यहाँ पर पर्यवेक्षण हो गया, निरीक्षण हो गया। तो क्या होता है जब डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है अति लघु लघु में, तो क्या आप लिखेंगे कि इनके अनुसार। तो जैसे एडम्स और डिकी के अनुसार लिखा है कि पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। और विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण और अधिगम के श्रेष्ठ विकास में जो है वो सहायक है। अब देखिए पर्यवेक्षण से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है निरीक्षण। पर्यवेक्षण का अर्थ अगर बात करें तो उसकी कोई उच्च दृष्टि या सुपरविजन, जो कि आप कह सकते हैं विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके, उसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण। और निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण होता है परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य क्या होता है, किसी व्यक्ति की जांच करना। तो निरीक्षण और पर्यवेक्षण में ये मेन डिफरेंस होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में डिफरेंस आपसे 2019 और 2018 दो साल लगातार पूछा जा चुका है। अगला कह रहा है प्रश्न, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो अभी हमने देखा उसके पॉइंट, अब यहाँ पर किस प्रकार आप डिवीजन उसका करेंगे अलग अलग। तो अंग्रेजी के सुपरविजन जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। अर्थ जिसका क्या होता है, उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन, जो कि विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे जो विद्यालय संगठन है उसके सभी घटकों का समुचित विकास जो है वो हो सके। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, मुख्यतः किसकी बात की जा रही है, विद्यालय से संबंधित या विद्यालय विकास को जब गति प्रदान करने की बात आए, स्कूलों को मार्गदर्शन की बात आए, या स्कूल संबंधी कोई समस्या उसके समाधान की बात आए, तो वहां पर पर्यवेक्षण जो है वर्ड आप यूज करेंगे। आगे लिखा भी है कि पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। यही चीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो अनुदान केंद्रीय और राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों आदि से जो है वो प्राप्त होता है। विद्यालय को अनुदान अलग अलग माध्यम से जो है वो प्राप्त होता है। अगला है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है? जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। बिल्कुल, जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालय जो है उनके प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ही ऊपर होता है। तो ये आपका पॉइंट है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित पूछा बहुत जाता है, ध्यान रखिएगा कि उसका प्रमुख उत्तरदायित्व जो है वो क्या होता है। अगला प्रश्न है, MDM वितरण पंजिका से आपका क्या है? MDM का मतलब क्या है, मिड डे मील, यानी कि मध्यान्ह भोजन योजना। आई कब थी? तो 15 अगस्त 1995 को आई थी, और इससे संबंधित जो पंजिका बनाई जाती है, आप देखते हैं इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको फाइलें अलग अलग बनानी होती हैं, तो उसी में से आपको मिड डे मील जो है उसका भी रजिस्टर बनाना होता है। तो वो जो पंजिका होती है जिसमें सारी चीजें विवरण होता है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि उससे आपका क्या आशय है। तो आप क्या कहेंगे कि MDM जो है उसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्यान्ह भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या, इसी प्रकार जो मीनू है उसके प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण जो है वो रहता है। अगर आप देखते हैं फल आपका एक आता है तो उसमें विवरण लिखा जाता है कि आज ये जो है वो चीज आई है, आज सेब आए हैं, आज फल आए हैं, तो फिर फल में आज ये आया, तो वो पूरा विवरण जो है इसमें रखा जाता है। अगला है, कर्ण वर्जन कास्ट जो है उससे क्या अभिप्राय है? तो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें मध्यान्ह भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है, समझ रहे, पर्टिकुलर जो बच्चा है उसको लेकर, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा अलग सा थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि जो अभिभावक होते हैं
अगला प्रश्न है आपका कि अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है। तो आप क्या कहेंगे, उसके द्वारा अपने जो बालक होते हैं उनके लिए एक ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही जो अपने कार्य उसमें क्रियाशील हो सके, कोई दूसरा उन्हें ना मोटिवेट करे कि तब आप वो करें, खुद से वो कार्य में क्रियाशील हो सके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई। तो कब हुई, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को। इसको हम क्या कहते हैं, NCERT कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जब राष्ट्रीय लिखा हो तो आपका NCERT होता है, जब राज्य लिखा हो तब आपका SCERT होता है। ये दोनों में डिफरेंस होगा। अगला है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले इसी के फर्स्ट पार्ट में पूछा था और कहा था सभी लोग आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर आपका सन 2004 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा गया है, यूपी में जब पूछा जाए तो सन 2004 ही लिखेंगे, पर अगर नॉर्मली पूछा जाए तो स्कूल चलो अभियान आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 में जो है वो चलाया गया था, जो कि आपका SCERT के सेकेंड सेमेस्टर में आपको दे रखा है। तो SCERT की आपकी पुस्तकों में है तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था स्कूल चलो अभियान का, तो आप कहेंगे प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन हो उसके लिए जागरूकता फैलाना इसमें मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या इसके कार्य, यही आपसे जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इसे हाईलाइट करके लिखेंगे। फिर ये स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए भी जो है वो उत्तरदायी है। कोठारी आयोग जो कि 1964 से 1966 के बीच आया था, इसकी सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। अच्छा, कोठारी आयोग आपको बहुत ही फेवरेट है, अगर देखा जाए एग्जामिनर जो है उसका टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका तो ये फोर्थ सेमेस्टर पर सेकेंड सेमेस्टर में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को जाना जाता है। कब आया था, तो 1964 से 1966। इसके साथ साथ कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 17 सदस्य थे, और इसी में आपके पंचमुखी कार्यक्रम भी थे जो कि आपके पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है उसके कार्य बताइए। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री और तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन ETV और शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने और हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए जो है वो उत्तरदायी है। और ये जो संस्थान है वो शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जो है वो करता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका कि नीपा के उद्देश्य जो है वो लिखिए। तो नीपा जो है वो राज्य सरकारों तथा शैक्षिक जो संस्थान है उनको परामर्श देने का कार्य करता है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो नीपा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीपा को कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये डबल ई नहीं, यहाँ पर आपका एक आई होगा, इसको मैं रफ करके सही कर देता हूँ, NIEPA, इस प्रकार से होगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट होता है आपका, तो आई तो होगा, फिर उसके बाद ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब प्लानिंग वर्ड ही इसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित कुछ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि परामर्श देने का कार्य कर रहा है, शैक्षणिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु जो विभिन्न संस्थान है उसका सहयोग करना और उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर भी उसका प्रकाशन करने का कार्य करता है, विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करने का भी कार्य करता है, देश विदेश व उसकी विभिन्न शैक्षिक एजेंसियां, संस्थाएं, संगठन उनसे भी परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था जो है वो करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नीपा के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप कहेंगे 1972 में जो है वो हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई। तो SCERT की स्थापना सबसे पहले तो कहाँ, तो लखनऊ में। अब देखिए लखनऊ में काफ़ी बार घेरा हुआ है इस समय जो बैक प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के, ये तो सभी को एकदम पता चल गया होगा।
सन और आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा 1981। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य शिक्षा संस्थान के तीन कार्य जो है उनकी विवेचना कीजिए। तो पहला कार्य हो जाएगा शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध। कौन कौन सा? शिक्षा और शिक्षण संबंधी शोध का कार्य जो है करता है राज्य शिक्षा संस्थान। तो दूसरा हो जाएगा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत जो पाठ्य पुस्तक है उनका लेखन और संशोधन का कार्य करता है। तीसरा अगर बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो है उसके शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक जो शिक्षण है वो भी देने का कार्य जो है वो करता है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे राज्य शिक्षा संस्थान के। अगला देखते हैं प्रश्न, राज्य विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है, आप कहेंगे इलाहाबाद में जो है वो स्थित है। राज्य विज्ञान संस्थान आपका इलाहाबाद में है। अगला, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला कार्य है प्रारंभिक स्तर जो है इसके विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन और परामर्श देने का कार्य जो है वो राज्य विज्ञान संस्थान शिक्षा संस्थान करता है। और दूसरा कार्य क्या करता है, विज्ञान और गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने के भी अनेक प्रकार के शोध कार्य करता है। किसी भी के बारे में कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो आपको मुख्यतः एक से दो पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि कैसे भी प्रश्न वहाँ से अगर घूम के पूछा जाए तो आप इन पॉइंट को अगर जानते हैं तो आप क्या करेंगे उसमें अपने जो पॉइंट है वो लिख देंगे तो आपको नंबर जो उस हिसाब से मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप भी के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक अनुसंगिक संस्थान है जो कि वाराणसी बनारस में स्थित है। अलग पॉइंट है, अलग प्रश्न है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान को लेकर जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? ये पूछा गया था हिंदी संस्थान, ये पूछा गया परियोजना कार्यालय। तो आप क्या कहेंगे, राज्य परियोजना कार्यालय आपका लखनऊ में है। अगला है राज्य हिंदी संस्थान के दो कार्य, सन मैंने ऊपर यानी कि जो जगह है वो बता दी आपको, वाराणसी बनारस। अब कार्य पूछे गए तो हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए शोध करना, अनुसंधान का कार्य करना। अधिकतर जगह आप देख रहे हैं तो शोध वर्ड यूज हो रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा हो कभी किसी के बारे में कोई पॉइंट तो अपने आप से भी बनाकर शोध को लेकर आप लिख सकते हैं। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी और जो संस्कृत है उसकी पाठ्य पुस्तक जो उनका लेखन अनुश्रवण और समीक्षा का कार्य भी जो है वो राज्य हिंदी संस्थान के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में जो है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जो है वो कार्यरत है। तो किस रूप में कार्यरत है, कब आया था, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, मनोविज्ञान शाला। अगला है ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य जो है वो बताइए। ब्लॉक संसाधन केंद्र को आप BRC के रूप में भी जानते हैं। तो कार्य में आप कहेंगे कि विद्यालय भ्रमण और शैक्षिक अनुसमर्थन का कार्य करता है। विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण शिक्षक और शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। बैठक और जो गोष्ठियां हैं उनका आयोजन का भी कार्य करता है ब्लॉक संसाधन केंद्र। और इसके साथ साथ जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके आयोजन का कार्य भी करता है। तो अच्छे अच्छे केवल चार ही पॉइंट लिखे हैं, कम से कम दो तो आपको एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि दो के आधार पर 3-4 आप बना सकते हैं, पर लघु में आया है प्रश्न तो आपको 5 से 6 तक तो हर हाल में लिखने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, NPRC का क्या मतलब होता है? तो N से आपका होता है न्याय, P से होता है पंचायत, R से होता है रिसोर्स जिसको हिंदी में संसाधन कहते हैं, और C से होता है आपका केंद्र जिसे हम इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो NPRC की फुल फॉर्म ये जो है वो होती है। अगला कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो आपका पहला उद्देश्य होता है माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उनके लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेवा पूर्व का मतलब जब तक वो सेवा में है, रिटायर के बाद तो कोई मतलब नहीं है। तो सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण उनकी व्यवस्था करना माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं। और दूसरा नवाचार संबंधी प्रशिक्षण जो है उसको भी
शामिल करना। तो ये होता है सीटी यानी कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के उद्देश्य। अगला कह रहा है कि सीमेंट नहीं है, यहाँ पर सीमेंट है, ये जो बिंदी लगी है ये गलत लगी है। केवल केवल सीमेंट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फुल फॉर्म होती है इसकी राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीमेंट की फुल फॉर्म। अगला कह रहा है कि राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है, शारीरिक जो प्रशिक्षक हैं उनको तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। यहाँ तक हमारे प्रश्न नॉर्मल समाप्त हुए, यहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहे हैं। साइड में आप 2016 देख भी सकते हैं, तो 2016 से आपके पूरे टोटल 2019 तक के जितने लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से सबसे बड़ा अंदाजा यही लगता है कि कैसे पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रबंधन प्रक्रिया जो है उसके अंग कौन कौन से है। तो प्रबंधन में आप नियोजन, संगठन, निर्देशन तो कल ही मैंने आपको बताया था, मूल्यांकन भी, नियंत्रण भी, सामंजस्य भी बैठाते हैं। ये सारे आपके अंग आते हैं प्रबंधन प्रक्रिया में, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो या किसी भी अन्य स्तर पर। अगला है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। यहाँ पर अंग पूछा गया था, यहाँ पर भौतिक संसाधन पूछा गया है। तो भौतिक संसाधन में जो मुख्याध्यापक हैं उनका कक्ष और स्कूल कार्यालय और कक्षाएं, ये सब आपके भौतिक ही तो हैं संसाधन। स्टाफ रूम हो गया, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। अगला कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के घटक में आपका शिक्षक, बालक और समुदाय, ये जो है आपके आते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, बालक और समुदाय। अगला है कि लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। तो सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है। देखिए लर्निंग कॉर्नर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, पर उसको आपको लिखना कैसे है ये भी आपके लिए मेन महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं वो सीखता है। अगला प्रश्न है आपके कक्षा दो में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए 2018-2016। साथ ही साथ आपका MCQ में भी काफी बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर रेनबो एक्स्ट्रा दिया है। कक्षा दो में केवल और केवल दो पुस्तकें चलती हैं, एक आपकी गिनतारा और दूसरी कलरव, काफी बार बता चुका हूँ मैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो किसका किसका? मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र और उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, छात्रों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, 2016 में आया था। नेक्स्ट है आपका कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो आप कहेंगे कक्षा अनुसार और अध्यापका अनुसार, ये आपकी जो कम से कम के सेंस में बात करें तो आपकी जो है वो बनाई जाती है। सब 2016 के प्रश्न आपके चल रहे हैं। अगला कह रहा है कि बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो क्या होता है प्रोजेक्ट कार्य कराने से? बालक को आप आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, जाहिर सी बात है अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाएंगे, प्रोजेक्ट कार्य बनाएंगे तो उनमें क्रिएटिविटी तो आएगी। तो यही दोनों जो है आप इस प्रकार से फोकस करते हुए लिख सकते हैं। अगला है शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं इतिहास में, जैसे लाल किले ही आपने पढ़ा, आपको उस पर्टिकुलर जगह पर ले जाया जाए तो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो वही होता है कि जैसे ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं उनके माध्यम से पढ़ाना इसीलिए कहा जाता है, अधिक जो है वो प्रभावकारी होता है। अगला है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो शारीरिक तो होता ही है, उसके साथ साथ मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता आदि। अब आप सोच रहे होंगे खेलकूद से राष्ट्रीयता, सामाजिक, ये सारी चीज़ें कैसे? तो कहीं ना कहीं ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, छात्रों में संगठन होता है, ग्रुप में कोई चीज़ करते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं, अपना भला, मतलब कहने का मतलब है खाली केवल और केवल शारीरिक और मानसिक ही आप नहीं कह सकते, और अलग अलग पक्ष जो हैं वो भी आपके आते हैं। अगला है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो अध्यापक जो हैं उनकी उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये सभी आपके जो है वो आ जाएंगे। अगला है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। तो कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान
रख रखाव, मिड डे मील, ये सभी आपके वित्तीय अभिलेख से संबंधित जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है आपका बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है। फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, ये वी नहीं होता, बा होता है। बीआरसी जो है वो ब्लॉक स्तर पर होता है और एनपीआरसी आपका न्याय पंचायत स्तर पर होता है। तो दोनों ही शैक्षिक गतिविधियां जो है उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो करती हैं। अगला है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा को या बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण जो है वो कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, लखनऊ में जो है ये स्थित है। अगला है यहाँ से प्रश्न आपके सन 2017 के स्टार्ट हो गए, 2016 के हमारे सारे समाप्त हो गए। ये चीज जरूर ध्यान दीजिए कब यहाँ पर कौन सा प्रश्न टाइप से पूछा जा रहा है। अब एक ही जैसे नाम होते हैं और आप सोचें कहीं इलाहाबाद लिखा है, कहीं प्रयागराज लिखा है, इस टाइप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला यहाँ प्रश्न 2017 में पूछा गया था कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम प्रबंधन कहते हैं। इससे ऊपर भी डेफिनेशन स्टार्टिंग में आई थी, मैंने क्लियर तरीके से आपको समझा दिया था। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जो है उसका उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी है, फर्नीचर तो आप जानते ही उपयोगी, उसके साथ साथ आपका श्याम पट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र है, रेखा चित्र तथा आकृतियां हैं, ग्राफ है, और विज्ञान शिक्षण सामग्री के लिए जैसे आप देखते नहीं कि आपकी परख नलियां होती हैं और कोई भी जैसे कि टेस्ट आप करके दिखा रहे हैं कि अम्ल जो है इसमें ये रंग दे रहा है, तो जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक, ऊपर आया था अलग अलग तरीके से अंग पूछा गया था, यहाँ पर घटक के रूप में पूछा गया है। तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, समुदाय में क्या, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, तो ये आपका समुदाय में आएगा। बाकी चारों ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न, कुशल शिक्षक के गुण बताइए। 2019 और 17 दो बार रिपीट हुआ है। देखिए आप सभी जानते हैं कुशल शिक्षक के गुण में, क्योंकि आप भी एक कुशल शिक्षक की श्रेणी में आएंगे। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। अध्यापकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए ताकि कोई भी जो समस्या है उसको दूर कर सकें। आदर और स्नेह जो है छात्र और अध्यापक के मध्य होना चाहिए। अध्यापक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं और खेल कूद में भी सहायता या सहयोग प्रदान करना चाहिए और छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के जो अच्छे शैक्षिक परिणाम है वो भी प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील जो है वो रहना चाहिए। तो ये सभी गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब कहाँ कहाँ होता है, तो विद्यालय के उपकरण उनकी मरम्मत में यूज होता है, बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर है, दरी है, चटाई, उन सबको खरीदने में यूज होता है। सभी अध्यापक अनुदान धनराशि के संबंध में पूछा गया। इसी प्रकार और क्या कहेंगे आप, आवश्यक जो स्टेशनरी है वो खरीदने में जो है वो यूज होता है, और पुस्तकालय के लिए किताबें हैं, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने के लिए यूज होता है, और विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने में यूज होता है, और विद्यालय सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या कहेंगे, गमले और जो फूल हैं आप देखते हैं जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उन सब में व्यवस्था होती है, तो पौधों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित बनाने के लिए, तो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर भी उनमें प्रदान किए जाने चाहिए, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर होने चाहिए, प्रदान करने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। पाठ्य जो वस्तु है वो बच्चों के स्तर के भी तो अनुकूल हो, रोचक भी तो हो, ये सारी चीज़ें भी तो देखनी है, तो ये सभी इसमें विशेषताएँ जो है वो आ जाएंगी। अगला है समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत जो निःशक्त बालक बालिकाएँ हैं उनकी शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूरी कराई जाती है, उसे हम समेकित शिक्षा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से समावेशी शिक्षा के तहत भी देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का जो निस्तारण करते हैं
वो आपके डाइट मेंटर होते हैं, उनके यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे किसी प्रकार का विद्यालय भ्रमण होता है, उसमें क्या कठिनाई आ रही है उसका विश्लेषण करना, फिर उसके लिए समाधान, जो भी उसमें कमी आ रही समाधान निकालना, उनको दूर करना। इसी प्रकार स्थानीय जो आसपास का परिवेश है उसका यूज करना, और जो किट की सामग्री है उसका उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार खेल गतिविधियां और शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, सब इनके कार्य लिखे हैं डाइट मेंटर के। और विद्यालय जो है उसके प्रांगण, यानी कि जो उसका आंगन है, आकर्षक कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। और इसी प्रकार एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित भी करते हैं, और ड्रॉप आउट जो है बच्चों के पुनः नामांकन, इन सब में सक्रिय योगदान भी प्रदान करते हैं। अगला एनपीआरसी के तीन कार्य पूछे गए हैं। तो पहला कार्य होता है कि माह में एक दो बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इतना लंबा लंबा याद करेंगे भूल जाएंगे, आपको एक वर्ड पकड़ना है कि पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, ताकि अगर पर्यवेक्षण आपको याद है तो उसके अंदर का पॉइंट आप लिख सकते हैं। सेम चीज अगर सेकंड में देर बात करें तो न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन के लिए अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज्यादा रुचिपूर्ण बन सके। और इसी प्रकार तीसरा, न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति और उसके लिए अनुमानित धन की भी आवश्यकता की सूचना जो अपने उच्च अधिकारी उनको भी देते हैं। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे किसके, एनपीआरसी यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। अगला है खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि बच्चों को अवसर दें खेलकूद के लिए। फिर क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर ऐसा ना हो कि आप किसी को एक ही अधिकार दे रहे हैं, सभी में समान अधिकार बटे हों, नियमों के पालन को लेकर बात हो, खेल के जो अवसर हैं उस पर अध्यापक की भी उपस्थिति होनी चाहिए, ऐसा नहीं बच्चे जुटे पड़े ताकि बच्चों का वो मार्गदर्शन कर सकें। इसी प्रकार प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए, इसी प्रकार मौसम का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो कि मौसम गड़बड़ है बच्चे खेल रहे हैं, स्थानीय जो खेल है उनका भी समावेश किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को उसमें और इंटरेस्ट बना रहे। कहने का मतलब यह है जैसे आपका स्थानीय खेल छुपन छुपाई है, सभी ने बचपन में लगभग खेला होगा, तो आप जब बच्चे को वो खिलाएंगे तो बच्चा वो ऑलरेडी जो खेला हुआ होता है उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अब वहाँ पर आप लेकर उसको वॉलीबॉल चले आएंगे तो आधा टाइम तो उसे समझने में लगेगा, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अगला है लोच का सिद्धांत क्या है। तो एक लाइन में आप इसमें कह सकते हैं जो प्रबंधन हमने अभी देखा उसको लचीला रखा जाए, यही आपका लोच का सिद्धांत होता है। बाकी उसी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसको लेकर आप और सारी चीज़ें लिखेंगे। और प्रबंधन आपका साधन है ना कि साध्य, इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। ये 2018 के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए, अभी तक 2017 के चल रहे थे। तो आप क्या कहेंगे, विभिन्न प्रकार की जो तिथियां होती हैं, अवकाश से लेकर मासिक सत्रीय, प्रवेश तिथि, अभिभावक सम्मेलन, ये सभी इसमें शाला कैलेंडर में होती हैं। अगला है अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं। तो आरामदेह होना चाहिए, शांत सुसज्जित, और प्रकाश और वायु की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है पाठ सहगामी क्रियाकलाप के उद्देश्य। तो यही सब हो जाएंगे, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना, जो सारी चीजें आप लिख सकते हैं, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला है प्रबंधन के प्रमुख घटक का नाम उल्लेख कीजिए। तो घटक में शिक्षा के विकास का लक्ष्य आता है, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रम की व्यवस्था, कार्यों का आकलन, ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। अगला है शिक्षक संदर्शिका के दो कोई लाभ बताइए। तो पहला आप ये लिख सकते हैं कि इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। और दूसरा, पाठ के अंत में आपको एक स्पेस बॉक्स मिलता है जिसमें अध्यापक स्वयं जो नवीन विधियां वो लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी, शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से जो टीचिंग टेक्निक हैं, अपनाई गई जो सावधानियां हैं, वो स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। तो ये दोनों लाभ में जो है वो आ जाएंगे। अगला है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। तो उद्देश्य है संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना जो है वो तैयार करना, ताकि सभी को समान अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाएं और न्यूनतम अधिगम स्तर जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। अगला है सफल नेतृत्वकर्ता के कोई दो गुण। तो सबसे पहला यही है कि कार्यकर्ता जो भी हैं उसके अंडर में आ रहे हैं उनके साथ एक रूपता होनी चाहिए। नेतृत्व के लिए आवश्यक ये भी है कि किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता भी वो स्थापित करे, ऐसा ना हो भेदभाव करे, और सभी जो सदस्य हैं वो भी तो संतुष्ट हों, ये भी तो जरूरी है। अगला है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं।
वृक्ष लगा सकते हैं, चिकनी और पानी सोखने वाली मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं खेल के मैदान के लिए, विद्यालय भवन के जो उद्यान है उसमें फूल वगैरह लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कांटे वाले तार लगा सकते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, दीवार तथा मुख्य भवन पर सफ़ेदी की हुई हो और इसी प्रकार ईंट की पंक्तियाँ हो, सफ़ेद रंग से पुती हो, मुख्य मार्ग जो है उसके दोनों ओर। थोड़ा सा स्पीड में इसीलिए चल रहा हूँ ताकि एक रिविज़न के तौर पर आप सारी चीज़ें देख लें। 2018 के देख रहे हैं, 2019 और हमारे केवल बचे हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी आप क्रियाएं करवा सकते हैं? बच्चों की साफ सफाई की जांच और स्वास्थ्य आदतों के विकास के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। किसी महापुरुष तथा धर्म ग्रंथ में वर्णित जो सदवाक्य उनका वाचन, उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दे सकते हैं। उस दिन के जो प्रमुख समाचार उनका वाचन, जैसे आप देखते हैं प्रेयर वगैरह में बहुत से विद्यालयों में चीजें कराई भी जाती हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं दो शिक्षण उपकरण और शिक्षण में उनकी जो महत्ता है उनका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर श्याम पट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये सब शैक्षिक उपकरण ही तो हैं आपके। मानचित्र हो गया, रेखा चित्र है, आकृतियाँ हैं, ग्राफ हैं। अब यूज तो आप सभी जानते हैं श्याम पट का, कि लिखकर समझाया जाता है, TLM की सहायता से ज्ञान स्थायी हो जाता है, दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर लेता है, सारी चीज़ें। देखिए 2018 के क्वेश्चन चल रहे थे, समाप्त हुए, यहाँ से आपके सबसे लेटेस्ट के यानी कि 2019 के अब प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य ऐड हो जाएगा नोटिफिकेशन, PDF और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। प्रश्न आपका क्या है, NCERT का पूरा नाम, फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। NCTE की फुल फॉर्म है ये, NCERT नहीं है, NCTE की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? तो किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय के सुचारू रूप से चलाने के लिए यही सभी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रमुख अंश या घटक में आपके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ये सब आते हैं। इससे पहले भी इस पर बेस्ड ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 2019 से कुछ प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके नहीं बताया था स्टार्टिंग के पहले चैप्टर में, पहले यानी कि पार्ट में। तो ये लास्ट हमारा प्रश्न है और इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। प्रश्न क्या है, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो विद्यालय में गाँव के सभी जो बच्चे हैं उनके प्रवेश को लेकर बात होगी, फिर विद्यालय के जो गांव हैं उनके पूरे समय उपस्थित रहने का संबंध, फिर पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है इसकी कठिनाई को दूर करना, फिर विद्यालय के भौतिक जो संसाधन है उनकी कमी को दूर करना, ये सब शिक्षक अभिभावक संघ के उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों में पास या बच्चों जो हैं उनके पास लेखन सामग्री जो है उसकी उपलब्धता करना, और लास्ट बच्चों की कमजोरी पहचानना और दूर करना, तो ये सभी इसके जो है वो उद्देश्य में आ जाएंगे। तो सभी प्रश्न हमारे इस वीडियो के समाप्त हुए इस सब्जेक्ट के भी। कल हम जो नेक्स्ट आप जो चैप्टर है यानी कि नया जो सब्जेक्ट है उसके जो है वो प्रश्न देखेंगे इसी वन लाइनर के, और लगभग हो गए हैं। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूँ, तो कक्षा 3 में पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है आपको बताना है कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 2, 3, 4, 5 में से वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके बताइएगा कौन सा जो है वो सही होगा। और जिसको पता है 3, 4, 5, 1, 2 सभी पता है तो सभी भी बता सकते हैं आप, आपका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है उनको पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक किस क्लास में कौन सी बुक चलती है उसका नाम भी, यानी कि केवल कक्षा 3 में कौन कितनी चलती है, कौन कौन सी बुक चलती हैं वो भी अगर आपको पता हो तो कमेंट में टाइप करके बताइएगा, देखते हैं किसका सही जो है वो आंसर निकलता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, आज छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।